सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं कवरेज के लिए धन्यवाद करता हूं। आज हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का 46वां जन्मदिन पूरे प्रदेश और देश के अंदर पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जा रहा है, और उसी कड़ी में आज हमारे टोहाना के अंदर बाबा भोलेनाथ जी के नेतृत्व में जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर और भंडारा लगा के माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन मनाया गया। उसी के उपलक्ष में हमारे साथ खाप नेता सुबे सिंह जी और हमारे साथ कृष्ण नागली जी, पूर्व में चेयरमैन प्रतिनिधि जिला परिषद फतेहाबाद संजय जी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी, आम जन भी बहुत से टोहाना से पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का बीजेपी और जेजेपी का जो है 5 साल का शासन रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जिस प्रकार की मेहनत चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में की है, आपने देखा जगह जगह पे रैलियाँ, आपके टोहाना में भी अभी पीछे सरपंचों ने जो है बहुत तकड़ी रैली की थी, और अभी सिरसा के अंदर कुछ दिन पहले किसानों ने जो है सरकार के विरोध में बहुत बड़ी रैली की, अभी जैसा कि हमारे बास के अंदर रैली थी और सोथा के अंदर थी अभी हमारा जो है 30 तारीख को। तो इस प्रकार के प्रत्येक दिन जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी उदयभान जी के नेतृत्व में रैलियों के प्रोग्राम और जन मिलन प्रोग्राम वो पूरे हल्के में चल रहे हैं। इस बीजेपी और जेजेपी की जो निरंकुश सरकार है, इसमें देखो किसान कितना परेशान है। पहले 3 काले कानून लेके आए, 13 महीने तक बैठे रहे, 750 किसान शहीद हुए। उसके बाद हमारे युवाओं के जो है लगभग 30 पेपर जो है वो लीक हुए, अग्निपथ जैसी ये 4 साल की सेना की भर्ती लेके आए, युवाओं ने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अभी आप देखो लाठी डंडे के बिना इस सरकार ने, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके ऊपर लाठी डंडा ना चलाया, चाहे आप जो है चौकीदार से लेके सबसे निम्न स्तर का हमारा कर्मचारी होता है, चौकीदार से लेके उसमें सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, जितने भी टीचर्स, ओपीएस के हमारे जो है कर्मचारी, अभी जेबीटी के जो गेस्ट टीचर वगैरह जो लगे हुए, उन्होंने अपनी मांग रखी, उनके ऊपर लाठी चार्ज, किसानों पे लाठी चार्ज। तो ये सरकार केवल लाठी डंडे की भाषा समझती है। ये संविधान के अनुसार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, उसमें हर वर्ग को उसके अधिकार दिए गए थे, चाहे उसमें कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित गरीब हो, चाहे कोई भी हो। परंतु इस सरकार ने संविधान को ख़त्म करने की जो है एक योजना बनाई है, और मैं समझता हूँ गरीब लोग, जिस प्रकार का शोषण इस सरकार में गरीबों का हुआ है, चाहे 100 वर्ग गज के प्लाट देने की बात थी, सस्ती फ्री में शिक्षा देने की बात थी, वो सारी स्कीमें इस सरकार ने गरीबों की बंद कर दी है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सारी स्कीमें गरीबों के लिए चलाई गई थी। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल लेके आए, जिसका आज मोदी जी कहते कि हम फ्री में अनाज दे रहे, ये तो पहले 35 किलो मिलता था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हुड्डा साहब ने उसके साथ दाल चीनी तेल का प्रावधान भी साथ में किया था। परंतु इस सरकार ने तो दाल चीनी और तेल बंद करने का काम किया, मिट्टी का तेल मिलता था 5 लीटर वो बंद किया है। तो इस सरकार की योजनाएं जो है गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा, आज टोहाना के अंदर भी बड़ी खुशी की बात है, बाबा भोलेनाथ जी के नेतृत्व में युवाओं ने प्रण कर लिया है कि हम कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए और इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को उखाड़ने के लिए अपने एक एक खून का कतरा कांग्रेस पार्टी के लिए, दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए नछार करने के लिए तैयार हैं। और उसी एवज में आज 100 से ज़्यादा जो है ब्लड यूनिट यहाँ युवाओं द्वारा डोनेट की जा रही, उन युवा साथियों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते जिन्होंने सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के जन्मदिन पर अपना खून देकर इस कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया।